Shukrana, Shukrana, love you so much, love you so much. You going Nukus? Where are you from? Huh? No, no, we are from India. We want to go to... मुझे लग रहा था वोडका है बट नहीं, भाई की जो बाइक है ना गाइस वो निराली है। तीन के तीनों कितने क्यूट क्यूट है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। मैं हूँ अंश और अभी मैं हूँ यार उज़्बेकिस्तान कंट्री के एक डेजर्ट शहर। लास्ट का व्लॉग आपने देखा होगा कि हम कैसे बुखारा से उमा भाई के साथ हिच हाइक करते हुए यहाँ पे पहुँचे और फिर एक लोकल बंदे से जो कि अनजान थे वो हमें अपने घर पे ले जाते हैं और एक अनबिलीवेबल हॉस्पिटलिटी दिखाते हैं। तो आज के वीडियो में हम यार यहाँ से बेरोनी विलेज से ऑल द वे नुकुस और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है अरलसी उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। अंकल इतने खुश मिजाज है ना कि ये हर जगह अपने गांव में घुमा घुमा के हमें बोल रहे हैं जो भी चीज़ दिख रही है आप उसको रिकॉर्ड करो। तो यहाँ पे तरबूज देखिए उसका प्राइस भी काफ़ी सस्ता है, 2000 में ये सिर्फ तरबूज यहाँ पे मिल रहा है। ये जो हैंडपम्प है ना ये देखिए हमारे इंडिया के जो हैंडपम्प हुआ करते थे कुछ वैसे ही हैंडपम्प हैं ये। ये देखिए इसको मैं चलाऊँ पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी तो पानी सूखा हुआ है यार। सो गाइज ये अंकल हमें बेरोनी का जो नेशनल बाईपास हाईवे है जो कि नुकुस के लिए ऑलमोस्ट 142 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा, ये कोई एक स्टोर टाइप का है यानी खाने पीने की दुकान जहाँ पे इन्होंने लाके हमें छोड़ा हुआ है, कैफ़े ओजिक करके लिखा हुआ है। अब ये इनकी गाड़ी है और बाजू में एक गाड़ी आई, तो अब एक्चुअली हमें यहाँ से 142 किलोमीटर पहले तो नुकुस के लिए ही चेक करनी है, फिर उसके बाद 200 से 250 किलोमीटर और पापा तो छोड़ ही नहीं रहे। अंकल ने कल बोला कि अगर आप इंडिया में आगरा का ताजमहल देख रहे हो और हमारे उज़्बेकिस्तान का खीवा नहीं देखा तो आपने उज़्बेकिस्तान का ताजमहल नहीं देखा, कुछ ऐसा अंकल का कहना था। और ये देखिए अपनी कार से हमें बाईपास पे ला कर छोड़ रहे हैं और बात करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से बाजू वाले कार वाले लोगों से कि शायद हमें कुछ आगे तक कोई लिफ्ट कर सके। अंकल तो आवरत ने दारो खीवा पक्का छुट्टी गया। ओ आला शुक्राना शुक्राना लव यू सो मच लव यू सो मच। फी इज फ्री, ही विल शो अस द ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट खीवा। ओके लेट अस सी न्यू खुशी से खान से पकते गाइस। ये अभी हमने ट्रक को रोका हुआ है, देखते हैं इस पे गाड़ी लिफ्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ब्रो प्लीज एक्सप्लेन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते नुकुस, ओके कम, थैंक यू रहमत। ओह ब्रो थैंक यू, इतनी बड़ी ट्रक है और पापा अभी भी छोड़े नहीं हमें, वो लगे हुए हैं एक्सप्लेन करने में कि हमें जाना कहाँ है। तो होपफुली ये नुकुस तक हमें गाड़ी ड्रॉप करने वाली है, तो काफ़ी अच्छा लगा यार, काफ़ी बड़ी ट्रक है आप देखिए। ब्रदर व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज डैनियल। ओह डैनियल ब्रदर यू स्पीक वेरी नाइस इंग्लिश, फाइनली समवन इज विद अस। आई एम सुपर गुड थैंक यू सो मच। सो यू आर वार्मली वेलकम टू एंटायर इंडियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो गाइज ये वो ट्रक था, दोनों एक साथ ट्रेवल करके आए थे, मान कंपनी का है ये ट्रक। तो इन्होंने एक्चुअली हमें लिफ्ट दिया हुआ था उस बाईपास से बीवेन्यू जो विलेज था और ये वैसे जा रहे थे मॉस्को तक, बट अभी हमने प्लान चेंज कर दिया यार क्योंकि ये ट्रक ना पूरी लोडेड है और रोड काफ़ी ज़्यादा खराब है। तो कारें आप देखिए किस स्पीड से यहाँ से गुजर रही हैं, बट जितनी ट्रकें हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा धीरे जा रही हैं, तो इस वजह से आई थिंक हमें अरलसी तक पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हमने डिसीजन लिया ये लोग अभी कहीं रुक के इस जगह पे एक छोटी सी मैगजीन है यहाँ पे खाना पीना खाने वाले हैं। तो हम ये सोच रहे हैं यार कि हम कोई कार वगैरह ट्राई करते हैं और कार यहाँ से काफ़ी फास्ट होगी और हम अपना टाइम भी सेव कर पाएंगे। योर नेम नामा अंश, यू अजमत, अजमत मंसूर, मंसूर। तो ये अजमत और मंसूर भाई जी मिले हुए हैं जो कि आई थिंक इस छोटी सी मैगजीन पे ये लोग खड़े हुए थे। ओह योर हाउस दिस, तो इनका ये घर है और इनका ये मैगजीन है एक्चुअली। तो ये पूछ रहे थे कि आप जा कहाँ रहे हो, तो हमें एक्चुअली लेट हो रहा है, हमें ट्राई करना है अरलसी मुनियाक 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 तो ये आप देखिए जिनकी ये फैक्ट्री है जहाँ पे हाईवे पे खड़े हुए गाइस, ये खुद से इनका जो लोकल ड्रिंक होता है ना उसको ही ला रहे हैं। मुझे लग रहा था वोडका है बट नहीं, इन्होंने बोला ताशकंद का फेमस बेवरेज है ये, अब होपफुली इसमें कोई अल्कोहल ना हो। तो ये इनकी मैगजीन, आई फील दिस वन इज सोडा।
Soda? Yeah. Really? Soda? Soda? Lemonade? 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 Oh. No, lemonade. Soda. Soda. तो यार खुद से ड्रिंक भी ऑफर कर दिया और अब इनकी गाड़ी है और बोल रहे हैं कि हम आपको ले जाके जहां भी आपको जाना है और हम आपको ड्रॉप कर देंगे। तो ये होता है नजराना यार, कभी कभी कहते हैं ना अगर आप हम्बल हो तो सब कुछ पॉसिबल है। आई थिंक वही हमारे साथ आज हो रहा है इन भाई साहब की वजह से। रहमत शुक्राना, धन्यवाद शुक्राना। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको पीते हैं और फिर देखते हैं एटलीस्ट 10 20 50 जितने भी किलोमीटर के लिए हमें ड्रॉप करेंगे, कुछ तो फायदा होगा। Chevrolet is amazing bro here. Yeah, yeah. This car, huh? Chevrolet. तो यार वो भाई साहब ने कार वाले जिन्होंने सोडा वगैरह पिलाया वो लाके एक रेलवे स्टेशन के बाजू में कहीं पे हमें छोड़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये डेजर्ट में ही आप देखिए इन्होंने रेलवे स्टेशन भी बनाया हुआ है और मालगाड़ी वगैरह खड़ी हुई है। वैसे यहाँ से ना नुकुस से डायरेक्ट ताशकंद के लिए गाड़ी भी चलती है और ट्रेन को यूज़ करके उज्बेकिस्तान से अगर आपको कजाकिस्तान जाना है तो आपको इसी रूट से होके जाना पड़ेगा वापस से कोई एक छोटी सी मैगजीन। तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे नामीबिया कंट्री में मैं डेजर्ट में ट्रेवल कर रहा था, तो 500 किलोमीटर 300 किलोमीटर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। और तो यार ये भाई साहब जो हैं जिनकी मैगजीन है ये हमें बुला रहे हैं कि आप अंदर आओ, तो इनका रास्ता कहाँ से देखते हैं। ओ ब्रो देयर इज वन कार, आई विल ट्राई। ओ अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। All good? Good. Oh, thank you, thank you, thank you so much, brother. Shukrana, shukrana, shukrana. Oh, तो यार ये इनका एक्चुअली मैगजीन है जहाँ पे हम आए हुए। तो चाय कॉफी बढ़िया केतली वेतली इन्होंने ये देखिए अलग से सजाया हुआ है। कॉफी भी है, चाय भी है, बेवरेज है, कोल्ड ड्रिंक है, जो भी कुछ खाना पीना है आई थिंक। और इनकी ये टोकरियाँ देखिए क्या लाजवाब टोकरी इन्होंने बनाया हुआ है यार। गोइंग, ओ ही इज गोइंग, ब्रो ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, दैट्स व्हाई ही केम बैक। ओह ब्रो अस्सलाम वालेकुम, यू गोइंग नुकुस? नो नो वी आर फ्रॉम इंडिया हिंदुस्तान बॉम्बे बट वी वांट टू गो टू। गाइज फाइनली आप सोचो कि ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की राइड के बाद इस कार से जिन्होंने हमें लिफ्ट दिया हुआ था तो वो यार एक्चुअली वीडियो में आना नहीं चाह रहे हैं और हम अब नुकुस पहुंच चुके हैं जो कि करकल पाकिस्तान का कैपिटल बोला जाता है। तो करकल पाकिस्तान यार एक्चुअली एक ऑटोनोमस रीजन है उज्बेकिस्तान कंट्री का जहाँ पे लोग यहाँ के खुद अपने आप को उज्बेकिस्तान का नहीं मानते और वो अलग से कंट्री को नॉमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यार नुकुस वैसे भी पूरे उज्बेकिस्तान कंट्री का 6वां लार्जेस्ट शहर बोला जाता है, ऑलमोस्ट 3.5 लाख के आसपास का पॉपुलेशन हो गया। और ये भाई लोग अभी हमको भूख लगी हुई थी यार, तो हमें तो वैसे अरल सी की तरफ जाना है तो अभी भी 250 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है। तो ये कार इन्होंने यहाँ पे स्टॉप किया, ये किसी एक रेस्टोरेंट पे लेके आए हुए हैं क्योंकि हमें भूख लगी यार काफ़ी देर से। अभी सुबह से सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था तो उन्होंने बोला चलो हमारे साथ ही आप लोग कुछ खा पी लेना और फिर हम आपको ले जाके बाईपास जो है ना वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो नुकुस यार वैसे भी सिर्फ काफ़ी एक्सट्रीम पार्ट बोला जाता है उज्बेकिस्तान का जहाँ पे अभी तक मुझे जितना एक्सपीरियंस हम लोग बाहर देखे ना काफ़ी एडवांस काफ़ी प्लान सिटी लग रहा है यार। बाहर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, रेलवे स्टेशन है और छोटा सा एयरपोर्ट भी है यहाँ पे। और कुछ ये है रेस्टोरेंट जहाँ पे ये लोग हमें एक्चुअली लेके आए हुए हैं, तो देखते हैं इस रेस्टोरेंट के अंदर है क्या। काफ़ी सही रेस्टोरेंट, आप सोचिए इतना बड़ा रेस्टोरेंट है यार, किसी शाही महल से ये कम नज़र नहीं आ रहा। ऊपर की सीलिंग वगैरह आप देखिए, आई थिंक ये 2 से 4 फ्लोर का है, अंदर पूरा हवेली टाइप का लग रहा है। अब ये जो लोग हमें लेके आए हैं ना यार ये एक्चुअली सारे ऑफिसर हैं, तो इन्होंने वीडियो में आने से तो मना कर दिया है बट जब से मिले हुए खुद से गाड़ी रोकी, खुद से गाड़ी में बैठाया और अभी लाके हमें पूरा ही एक्सप्लोर करा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा है रेस्टोरेंट का पूरा डिज़ाइन, आप देखो पूरा कैसे इन्होंने इसको बनाया हुआ है यार, एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। तो गाइज अभी दोपहर के 1 बज गए और एटलीस्ट चलिए हमारा लंच अभी यहाँ पे हो चुका है। तो अभी भी आप सोचो कि काफ़ी धूप भी बढ़ रही है और 250 से 300 किलोमीटर का सफ़र और अभी हमें तय करना है, बट ये लोग शायद हमें कहीं बाईपास पे ले जाके ड्रॉप करने वाले हैं। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल भी इन्होंने थमा दी यार, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहे, काफ़ी ज़्यादा हेल्प, वेरी वेरी अमेजिंग, मतलब इतना तो अनएक्सपेक्टेड था। आप सोचिए हम कहाँ धूप में सुनसान जगह पे खड़े हुए थे बट ये आए कुछ से गाड़ी रिवर्स किया और बैठाया, खाना पीना खिलाया और वापस से ले जाके हमें बाईपास। एंड हैपेंड मेनी थिंग्स आफ्टर दैट, देखा कुछ ना कुछ तो सरप्राइजिंग हो जाता है।
सो गाइज ये थी वो गाड़ी जो हमें फाइनली इस बाईपास पे, जो कि कोंगरात करके जगह है 104 किलोमीटर इस जगह से, नुकुस के बाईपास पे इन्होंने लाके हमें ड्रॉप कर दिया हुआ है। तो यार नुकुस तो काफ़ी बड़ा ब्रॉडवे और पुराने टाइम का यानी सोवियत के टाइम का 1860 के आसपास का शहर बोला जाता है। और वैसे ये करकल पाकिस्तान रीजन है इस उज्बेकिस्तान कंट्री का जिसका कैपिटल नुकुस मैंने आपको बोला। तो यहाँ पे ना सोवेत्स्की म्यूजियम करके काफ़ी पॉपुलर है। USSR टाइम का जो उज्बेकिस्तान था उस टाइम का उज्बेकिस्तान कैसा था या 25 साल पुराना उज्बेकिस्तान कैसा था वो अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको इस नुकुस शहर में आना होगा। हर जगह जितनी भी बिल्डिंगें हैं यहाँ पे जो करकल पाकिस्तान गवर्नमेंट है ना उनका एक अलग से फ्लैग है, झंडा है, लॉ रूल्स रेगुलेशन सब कुछ यहाँ पे अलग है। मतलब उज्बेकिस्तान कंट्री में ही आप एक दूसरी कंट्री बोल सकते हो कि इन्होंने बनाया हुआ है। बट लोग बोलते हैं कि कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं कुछ लोग नहीं, बट यहाँ के लोग आपस में अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। ओ ओ अस्सलाम वालेकुम, यू गोइंग कुनरात? उमा भाई एक्सप्लेन करने में लगे हुए हैं इस गाड़ी को और वो भाई साहब आई थिंक समझ नहीं पा रहे हैं, फिर भी गूगल ट्रांसलेट की हेल्प लेके समझाना पड़ रहा है। सो यार गाइज उमा भाई ने जिस गाड़ी से बात करने की कोशिश की थी अभी फिलहाल गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से हम बात कर रहे हैं, तो फाइनली ये 10 से 15 किलोमीटर की राइड हमें मिली और ये कहीं जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कम से कम हर एक बात में हमको समझाना पड़ रहा है और वो भाई साहब भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। और अभी उमा ने जब इनसे बोला कि हम उज्बेकिस्तान जोर, तो उन्होंने बोला नो उज्बेकिस्तान करकल पाकिस्तान। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि ये सारा जो रीज़न है ना ये लोग उज्बेकिस्तान को अपना नहीं मानते, करकल पाकिस्तान ये लोग बोलते हैं। योर नेम इज? माय नेम इज सफरनेस। सफरनेस, सफर मींस यू नो व्हाट, जर्नी। तो गाइस गाड़ी थी ये 95U049K यूज़े जिससे हमें एक्चुअली लिफ्ट मिली हुई थी और वो भाई साहब अभी हाईवे पे 20 से 30 किलोमीटर के लिए आई थिंक हमें ड्रॉप करने वाले हैं। और ड्रॉप करने से पहले उन्होंने बोला नहीं हमारे यहाँ का तरबूज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है आपको खा के जाना ही पड़ेगा। हम उनको मना कर रहे हैं कि हमने जस्ट अभी खाना खाया, पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक पी हुई है, पूरा फुल है, तब भी वो बंदा भाई इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि नहीं आपको खाना ही पड़ेगा। और ये देखिए वो अभी ये तरबूज ऐसे ही जैसे हमारे इंडिया में हम लोग चौराहों पे और खासकर हाईवे पे बेचते हैं ना, तो उसी तरह से यहाँ पे आई थिंक ये लोग बेच रहे हैं। और इसी के बाजू में ये भाई साहब देखिए एक से दो तरबूज खरीद के बोले नहीं नहीं हम खाएंगे हाईवे पे, इस तरह से तुरंत लाइव खरीद के तुरंत खाना। सुपर भाई कितना जूसी है, मतलब उज्बेकिस्तान में सबसे ज़्यादा कुछ मुझे पसंद आया ना तो वो है तरबूज, जो इसकी मिठास है ना यार, आई थिंक इतना मीठा तरबूज तो मैंने इंडिया में भी नहीं खाया होगा। गाइज़ ये थी वो अपनी गाड़ी जो भाई साहब ने तरबूज खिला खिला के हमें फुल कर दिया हुआ था और फाइनली ये किसी बाईपास पे लाके वापस इन्होंने छोड़ा हुआ है। सामने NBU आई थिंक नेशनल बैंक ऑफ उज्बेकिस्तान का बिल्डिंग नज़र आ रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स है, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह कुछ ऐसा मामला लग रहा है। काफ़ी बड़ा हाईवे है और यहाँ पर आप देखिए हम टिपिकल लोकल गाँव में हैं, तो एक्चुअली जो नुकुस था ना उसको अरल सी का गेटवे बोलते हैं यार, यानी यहाँ से एक्चुअली जिस प्लेस पर मैं आपको लेके जाने वाला हूँ वो स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। अब ये भाई साहब गाड़ी इन्होंने रोकी हुई है, अब देखते हैं। सलाम अलैकुम। तो यार ये जो गाड़ी थी ना भाई साहब ने बिना कुछ सवाल जवाब किए तुरंत हमें एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, तो ये काफी अच्छा है। और वी विल कीप दिस देयर इन फ्रंट ऑफ You speak English? Yeah. Uzbek. Karalpak. Okay. भाई देखिए भाई साहब ने भी बोला जब मैंने पूछा इनसे उज्बेक तो उन्होंने बोला करलपाक। और ये देखिए इनकी हर गाड़ियों में यार इस तरह से ये मीटर लगा हुआ है, अगर इनकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिक ये नोटिफिकेशन बजना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे हर जगह पूरे रोड पे भी इनके गवर्नमेंट आई थिंक मीटर और कैमरे इंस्टॉल करके रखे हुए हैं कि आपकी स्पीड लिमिट को मेंटेन किया जा सके। शुक्राना रहमत ब्रदर, यू गोइंग कुंगरात? तो यार कुंगरात तक के लिए तो हमें ये आई थिंक ये छोड़ने वाले हैं, वहां से फिर हमें राइट डाइवर्जन लेके फिर से यार 150 से 200 किलोमीटर आई थिंक आगे जाना होगा। काली वाली गाड़ी थी ना यार ये हमें कुंगरात करके बाईपास पे लाके छोड़ दिया हुआ है,
और अभी हमें यहाँ से मुनियाक जो कि 100 किलोमीटर के आसपास है अभी और ट्रैवल करना बाकी है। लेट्स सी, आई थिंक हमें ये वाली गाड़ी से लिफ्ट मिल जाना चाहिए। फाइनली ये देखिए जो काली वाली गाड़ी है उससे हमें लिफ्ट मिली गई। इस वाइट वाली गाड़ी में उन्होंने आई थिंक कम्युनिकेट करके हमें समझा दिया हुआ है। ओह माय गॉड, ओह ब्रो, भाई की गाड़ी देखिए। आई थिंक बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि बाइक यहाँ पे आपको उज्बेकिस्तान कंट्री में देखने को मिलेगा, बट भाई की जो बाइक है ना गाइस वो निराली है। अफ्रीका की याद दिला गया मुझे, जिस तरह से अफ्रीका में लोग जुआर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने बाइक को डिज़ाइन करते हैं, कुछ वैसा ही माहौल है। अब ये किस ज़माने की बाइक है ये भी अभी समझ नहीं आ रहा है, बट देखिए ना कोई नंबर प्लेट ना कोई कुछ, बट फिर भी इन्होंने पूरा इसको ट्रांसपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, मतलब पैसेंजर प्लस गुड्स दोनों का एक काम होगा ग्राना। और यहाँ पे आप देखिए हाईवे पे हम आए हुए हैं, ये भाई साहब जो हमें लगे यहाँ पे ड्रॉप किए, तो ये कोई मैगजीन है, बाजू में कुछ फिलिंग स्टेशन और मिनी मार्केट वगैरह भी दिख रहा है। और बायन्यू जो कि 410 किलोमीटर कजाकिस्तान का बॉर्डर टाउन बोलते हैं, जो इस उज्बेकिस्तान से शेयर करता है, जहाँ पे अगर आपको उज्बेकिस्तान से कजाकिस्तान आप ट्रेवल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और कल पाकिस्तान जो कि 340 किलोमीटर ऑलरेडी हम इसको छोड़ के आ चुके हैं। तो ये जो प्लेस है ना, ये हाईवे आई थिंक ये आखिरी हाईवे है, अब हमें हमारे आखिरी डेस्टिनेशन तक ऐसे ही जाना होगा, क्योंकि इसके बाद आप देखिए गाड़ी की जो फ्रिक्वेंसी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। इस तरह की विंटेज गाड़ियाँ आपको हर जगह उज्बेकिस्तान में देखने को मिलेंगी। तो यार गाइज फाइनली हमारे इस भाई साहब ने हमको बोला कि चलो हम आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे, घुमाएंगे और वापस अपने घर पे भी लाएंगे, कुछ ऐसा हमारा कन्वर्सेशन हुआ है। और कुछ उन्होंने बोला कि आप गैस वगैरह आप बना लेना और फिर हम आपको घुमा भी देंगे। अब देखते हैं ये कहाँ तक हमको लेके जाएंगे और वापस घुमा के कहाँ तक लाने वाले हैं। Okay, and your son. You have three sons. Yes, three okay. sons. Okay, oh, great, 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 great. तो यार ये भाई साहब एक्चुअली अभी आए हैं अपनी फैमिली से मिलाने के लिए, तो हमने डिसाइड किया था तो ये पानी लिए सुपरमार्केट में खरीदे, और इनकी जो वाइफ है वो इंग्लिश में बात कर सकती हैं, तो ये इंग्लिश में बात करके ये देखिए, ओह माय गॉड, तीन के तीनों कितने क्यूट क्यूट है। Amazing, oh. Nice meeting you. Really, really happy. Thank you so much. Yes. Thank you, much. Mama. Thank you. Mama. What is the name? Gulzar. Yeah. Gulzar. This name. Abu Bakr. Abu Bakr. Oh my Abu God. Bakir. Good boy. This my Atabek. 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 Thank you.